अब मैं यार आप लोगों को ना आज कुड़क मुर्गी की अपडेट देता हूँ। ये देखें भाई, ये बैठी हुई हमारी कुड़क मुर्गी। ओए 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 बाबू, एंग्री बर्ड बन गई है तो। अबे ये किस तरीके का शेप करना है? ये ले भाई, ओए ओए मेरी उंगली है भाई, उंगली। भाई आ गए छत पे। कहाँ गई भाई? सॉरी, गलत जगह चले गए हम। ये रही रोटी। तो यार ये मैं भिगो गया था सुबह में ही, जब इनको दाना पानी डालने आया था। आज इनको हम रोटी के साथ थोड़ा बहुत ये देंगे मिक्सचर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार एक तो मेरे बालों ने ना बड़ा परेशान कर दिया, लटे निकल निकल के राधे मोहन की तरह ऐसे आती रहती हैं साइडों में। उसके लिए माजरत भाई, मुंह पर आती रहती है, मुझे बार बार ऊपर करने पड़ते हैं। खैर यार मैं अभी अभी आया हूँ ऊपर, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 5:15 या 5:30 होने वाले होंगे, मतलब अभी मगरिब में बहुत टाइम है। तो हमारी दो तो मुर्गियाँ हैं दोस्तों, एक कुड़क और एक ये, तो इन दोनों को ऊपर खिलाना होता है और नीचे वाली मुर्गियों को भी खिलाना है। खैर तो मैं ये गाना पहले मिक्स विक्स कर लूँ यार, पहले इनको डाल देते हैं हम ऊपर वालियों को, ठीक है? फिर अपन चलते हैं, पहले ऊपर के सेटअप को पूरा करते हैं, फिर अपन चलते हैं नीचे। और नीचे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वो दोनों वाइट मुर्गियां भी, एक तो जो बीमारी में थी हमारी कंधारी मुर्गी वो भी दिखाता हूँ, और एक उसके नीचे वाली वो तो बिल्कुल सेट है। कंधारी में बीमारी आई थी पर माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, एक तरीके से मेरे कल बोलो उसको सेट होने पे है, बिल्कुल अच्छी खासी सेट हो गई माशाल्लाह से। खैर जल्दी से खाना बना लूँ, फिर चलते हैं नीचे हम। तो यार सबको दाना पानी तो कर दिया है, अब मैं यार आप लोगों को ना आज कुड़क मुर्गी की अपडेट देता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है कुड़क मुर्गी को दिखाया नहीं आप लोगों को। तो कुड़क मुर्गी की अपडेट देता चलूँ कि वो कैसी है और कितने अंडों के नीचे वो ऊपर बैठी हुई है वो। तो अंडे तो सच बताऊँ ना यार, मैंने नहीं रखे, हमदा ने रखे हैं। वो बोल रहा था एक बच्चा निकलने वाला, याद होगा आप लोगों को, वो अंडे खराब हो गए थे। उसके बाद शायद हमदा ने अंडे रखे हैं, वो आज आप भी चेक करते हैं और मैं भी। चलो पहले तो ये हटाए हम, इसके बाद मैं आपको दिखाता चलूं। ये देखें भाई, ये बैठी हुई हमारी कुड़क मुर्गी, सुकून से बैठी हुई होती है भाई, इसको कोई मसला ही नहीं होता है। देखें कितने अंडों पे बैठी हुई है तुम्हें। ओए 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 बाबू, एंग्री बर्ड बन गई है तो। गुस्सा आ रहा भाई, शदीद गुस्से में होती है इस टाइम में कोई भी मुर्गी हो, जब वो अंडों पे बैठी हो ना उसको मत छेड़ो भाई, बहुत गुस्से में होती है वो। खैर इसको यार दाना पानी थोड़ा सा देखें, फिर हम जल्दी से बंद कर देते हैं, ठीक है? चलो भाई आ जाओ यार, इसको पहले निकालें दोस्तों। पकड़ के निकालना बहुत इसको मुश्किल है, क्योंकि बड़ी मुर्गी है माशाल्लाह से। चलो जाओ जाओ, चलो 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 चलो, थोड़ी देर तो यहाँ पे ये मटर वैश करती है, थोड़ा सा घूमती घूमती है, फिर जाके खाना पीना करती है। खैर चले यार, मैं आप लोगों को इसके अंडे गिनवा दूँ, कितने रखे हमने इसके नीचे अंडे, ये रखे हुए। तो ये अंडे जो हैं हमजा नहीं रखे थे, और सारे अंडे जितने भी, और इन पक्का हैं ये फर्टिलाइजर हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर अंडे ये देख के ही रखते हैं हम लोग। तो खैर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंडे हैं। अभी ये किस तरीके का शेप करना है? बड़ा अजीब अंडा है, शेप देखें इसका बिल्कुल ही चेंज है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल इधर से भी इतना ही है, इधर से भी, ये गोल टाइप का नहीं है। खैर हमदा से पूछूंगा भाई, वो आएगा तो। ये किसके अंडे भाई ये मुझे बता, क्योंकि मुझे नहीं पता है किस किसके अंडे उसने रखे हैं। मैं अभी ढक देता हूँ। तो यार इसने खाना पीना कर लिया है, अब इसको बंद करता हूँ मैं, और मुझे ये दिखाना था आप लोगों को, देख लें भाई हमारी कुड़क मुर्गी जो है अब ये कितने दिन में बच्चे निकालती है, ये इस पर डिपेंड करता है। अब हम तो रहते हैं यार, हमारे पहले ही काफ़ी अंडे बच्चे सभी ज़ाया हो गया, पूरा सेटअप ही ज़ाया हो गया, लेकिन अब देखते हैं इंशाल्लाह हो सकता है इसके बच्चों से अब शुरुआत होता है, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे निकाल दें। वैसे हमने देख लिया 8 अंडे रखे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 इतने अंडे रखे हुए हैं। बाकी यार मुर्गी तुम निकाल देना बच्चे, नाराज़ मत करना यार। खैर इसने खा लिया यार, ज़्यादा देर खुला नहीं रखते, अब इसको अंदर बंद कर देते हैं। आया देख रहे पूरी खैर, इतनी खतरनाक हुई है ये, इसको बैठाते हैं हम इसके अंडों पर, ठीक है भाई? आ जाओ, ये खुद ही बैठ जाती है, ये देखिएगा, ढकूंगा ना तो खुद ही बैठ जाएगी थोड़ी देर बाद। चलो देखना, खुद ही बैठ जाएगी ये भी है, ठीक है भाई? अगर यहाँ से देखें, ये देखें दोस्तों, दिख रही है, खुद ही बैठ जाएगी थोड़ी देर में ही है,
खुद ही अपने अंडे सेटिंग करके खुद ही सेट हो जाती है। ये कुड़क मुर्गी की निशानी होती है, उसको बैठा दो आप, हिलेगी नहीं उसके बाद वो। खैर यार, अब हम चलते हैं अपनी नीचे वाली मुर्गियों के पास और उनको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उनकी कंडीशन क्या है। तो यार नीचे मैं आ गया सेटअप पे दोस्तों, और ये दिखा दूं आप लोगों को, ये हमारी पहली कंधारी मुर्गी, ये देखें, ये बड़े वाली है जो सही थी, और जो दूसरी थी ना यार वो मर गई, वो भी उसी बीमारी में चली गई। ये बीमार हुई थी लेकिन ये अब काफी सेट है। ये अपना देखें माशाल्लाह खाना भी पूरा खा लेती है। इसको अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों, ये सुकून से खा रही है। ये शुक्र है कि खाने में वो नहीं है। ये हम रखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से खुराक लेती है, इसका हमें मसला ही नहीं होता इतना, और शुक्र है अब ये बहुत बहुत मतलब बोलते ना बीमारी से क्लियर हो गई है एकदम, अब इसको कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास बस एक ये मुर्गी बची है, दो ऊपर वाली और एक ये। वो हैरत की बात है, जितने जानदार मुर्गे थे वो सारे चले गए हैं। ये हमारी व्हाइट वाली मुर्गी, ओए 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 अंदर जो बंजी थी, अंदर 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 अंदर, अभी तुम मुझे पता परेशान कर दोगी। निकाला हमने इसका खाना, हाँ हाँ दे रहा हूँ, सफर कर लो, सारा तुम्हारा ही है। गर्मी की ऐसे बाजार नहीं डाल पा रहा, इसलिए इन्हें ये प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें दे देते हैं थोड़े बहुत छील के, ताकि ये हो इनका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत रहे। प्याज वगैरह जो होता है ना ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें। ये ले भाई, ओए ओए मेरी उंगली है भाई, उंगली तो छोड़ दे। ठीक है भाई दोस्तों, ये भी दिखा दी आप लोगों को, गंजी मुर्गी हमारी। तो बस यार यही बची है हमारे पास, और माशाल्लाह से अल्लाह का करम है ये हेल्दी है यार। देखो ये भी खा रही है, ये भी खा रही है। थोड़ी देर बाद मैं इनको पानी डालता हूँ, क्योंकि एकदम खाने पे नहीं दे रहा अभी, क्योंकि बीमारी की लपेट में आए थे, इस वजह से थोड़ा देर में पानी देते हैं, ताकि ये हो कि इनके गले में जो रेशा हो रहा था ना वो भी थोड़ा नुकसान ना दे। खैर दोस्तों, और बाकी आप लोगों को जैकी से हमने नहीं मिलवाया घर में, शौक वाले इस पेज पे, उधर तो मैंने मिलवा चुका हूँ बहुत मरतबा, पर यहाँ नहीं दिखाया। तो यहाँ इंशाल्लाह कल जैकी को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बल्कि अभी देख लो यार क्या हो गया इसमें। ये रहा हमारा जैकी। हाँ भाई जैकी, यार तुम्हारे हाथ नहीं लगाऊंगा उनके, वो पहली बीमार हुए थे, क्या हुआ परेशान हो? कल जैकी को भी यार पेट खराब हो गया था जैकी का, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह जैकी सेट है माशाल्लाह से। देखें इसने वापसी अपनी, जो वॉशरूम इसका शेप में होता है मैंगनी के, उसी शेप में आ रहा है, ये शुक्र है यार, वरना कल तक ना इसने मोशन मार दिए थे, अब ये सेट हो गया है। ये एक गर्मी से भी हो सकता है मार रहा हो, तो कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और जो मेरा घर में शौक वाला चैनल है ना ये, इससे हटके मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एक और चैनल बना लिया सिद्दीकी ब्रदर्स वाला, उस पर फैमिली व्लॉग आते हैं मेरे जितने भाइयों के साथ, मम्मा वगैरह हम सारों का एक मैंने अच्छा छोटा सा वो बनाया है चैनल यार, जाके उसको जल्दी से बड़ी सी पब्लिक बनाओ उसकी, और बहुत मज़ेदार वीडियोस डालूंगा उस पर मैं। थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा होता है, और थोड़ा तुम्हारे को पता है यार और भी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को इशू आ रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी कि उस पर डेली मैं अपडेट देता रहूँ, डेली के व्लॉग्स बनाऊँ। तो उसको जाके लाजमी सपोर्ट करो, सिद्दीकी ब्रदर्स ये नाम है चैनल का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टाटा, bye-bye.